Are you ready? अस्सलाम वालेकुम, मेमन न्यूज़ के साथ मैं हूं फयाज फैसल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनाब हनीफ मोटलानी। सर, आपसे कुछ आपकी कुछ अल्फाज मेमन कम्युनिटी के लिए और कुतियाना मेमन एसोसिएशन की आज ये ड्राफ्टिंग सेरेमनी हुई इस तरीके के इवेंट्स के लिए और ये मेमन सुपर कप सीज़न 2 ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जो करवा रही है उसके लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले बेटा तो आप बच्चों को और आपकी मेमन न्यूज़ को माशाल्लाह मुबारक कि आप लोग सारे मेमन इवेंट कवर कर रहे हो। और इसके हवाले से आज पहले हम कुतियाना की बात करें, यहाँ हम बैठे हैं जिसने एसोसिएशन ने और इरफान डेडी जो इनकी पूरी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। सारे कुतियाना के बड़े लोग माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आए, किसी भी मैच हो कोई भी चीज़ हो उसके लिए स्पॉन्सर बहुत ज़रूरी होता है। जब स्पॉन्सर जो है वो किसी आदमी को फ्री हैंड देता है कि जी आप काम करो कोई भी, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आज अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम इसने किया और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन भी अपनी तारीख का माशाल्लाह 48 टीमों का मैच करवा रही है और भी बहुत से लोग मेमन लीग करवा रहे हैं। ये अच्छा है, एक ऐसा इवेंट हो, अच्छा अच्छा प्रोग्राम हो जिसमें मेमन बच्चे जो हैं वो दूसरी जो एक्टिविटी नेगेटिव एक्टिविटी से परहेज करके क्रिकेट में आए हैं। क्योंकि ये जो भी इवेंट होते हैं ये हम थोड़ी देर का ज़रूर देखते हैं, इनके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत वक्त लगता है। तो ये मैं मुबारकबाद दूंगा माशाल्लाह और आप लोगों को भी मुबारक। सारी जो मेमन न्यूज़ का चैनल काम करते हो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की देवे कामरानी देवे और बहुत अच्छा इवेंट ये हुआ है। इनको भी कुतियाना और सबको मुबारकबाद। सर एक क्वेश्चन, आप कोई मैसेज, बल्कि आप मैसेज नहीं, आप तो हुक्म करें, आप तो हमारे लीडर हैं हमारी यूथ को कि वो आगे फलाही कामों में, जैसे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ऑलरेडी कर रही है, इस तरीके के फलाही कामों में और लोगों को मॉरली सपोर्ट करने में हमारी यूथ क्या काम कर सकती है? एक बहुत अच्छा सवाल किया बेटा आपने। यूथ हमारा एसेट है और यूथ जो है वो हमारे यहाँ बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है, मगर बात यह है कि हमारे पास कुशन कम होता है जमातों में या फेडरेशन में, वहाँ थोड़ा सा कम कुशन होता है, लोगों को बहुत सारे लोगों को एक साथ हम इनरोल नहीं कर सकते। इसी हवाले से बहुत सारी जमातों ने अपना यूथ बनाया हुआ है, बहुत से लोग अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के जो है क्रिकेट के इवेंट कर रहे हैं। ये अच्छे साइन है यूथ के लिए। खाली मेरा इतना ही मैसेज होता है कि उनको आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ अपने उसमें रखनी पड़ेगी कि आप नेगेटिव एक्टिविटी से बचें और अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने छोटों से प्यार करें, ये सबसे पहली चीज़ है। तो इंशाल्लाह जो है हमारे मुल्क के लिए भी एसेट है, हमारी कौम के लिए मेमन कम्युनिटी के लिए एसेट है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनाब हनीफ मोटलानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।